अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये पुस्तक तो मेरी दुकान। ए, रुको 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 रुको, ये पुस्तक आपको दी किसने बेटा? बेटा बताओ, ये पुस्तक आपको किसने दी? अरे ये लीजिए। पल्लवी जी, ये सब क्या है पल्लवी जी, और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप जानती हैं हम कितना परेशान हो गए थे जब बिट्टू ने हमें आकर बताया कि वो अर्णव आपको घसीट कर कहीं लेकर जा रहा है। बिट्टू ने तुमसे झूठ नहीं कहा था, अर्णव जी हमसे नाराज थे, उन्हें छोड़कर हमारा तुम्हारे पास आना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज की पूजा हम तुम्हारे साथ ना कर पाए, इसीलिए जबरदस्ती वो हमें घर से इतनी दूर लेकर आए। लेकिन हम भी बहुत गुस्सा हुए, बहुत सुनाया उन्हें, बहुत बुरा भला कहा, और फिर वो नाराज होकर हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। और फिर हमें यहाँ कुछ गरीब बच्चे दिखे तो हमने सोचा इन्हें किताबें बांटकर ज्ञान के रास्ते पर मोड़ना भी तो एक तरह से पूजा ही हुई, इसीलिए हम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पल्लवी जी, हमें माफ कीजिएगा, हम आपको लेकर इतना परेशान हो गए थे कि आते ही आप पर गुस्सा कर दिया और इतना कुछ बोल गए, सॉरी। अर्णव जी, वो देखिए छोटू, आप जाइए यहाँ से प्लीज। और तुम, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के थोड़ी ना जाऊं। हमें कुछ नहीं होगा अर्णव जी, प्लीज। आइए हमें, हमें अब घर चलना चाहिए। इसी के साथ ये पूजा संपन्न हुई। अब आप ये कलश माता रानी के चरणों में रख दीजिए। बोलो वीणा वादिनी सरस्वती माता की। हम आ गए पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। लेकिन जजमान, पूजा तो संपन्न हो गई है। पूजा हमारे बिना कैसे हो सकती है? पिछड़िए, क्या कर रहे हो शिवा? कलश गिर जाता। गिरता तो गिर जाता। ये पूजा हमें करनी थी पल्लवी जी, इस आदमी ने पूजा की तो की कैसे? हाँ कैसे, कैसे? जजमान आप शांत हो जाइए, आप पूजा बीच में छोड़कर चले गए थे, मुहूर्त का समय बीता जा रहा था, इसलिए आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, मुहूर्त के रहते ये पूजा संपन्न हो गई। जजमान आप शांत हो जाइए, लीजिए प्रसाद। कौन बात नहीं पंडित जी, इनको प्रसाद ना ही लेना है, कौन बात नहीं, हमका दे दीजिए, हम पहले ही प्रसाद खाए हैं, दोबारा खाएंगे।
काहे कि सरस्वती माता का आशीर्वाद और प्रसाद हर एक के नसीब में ना ही होता। चलो यहां से निकले, चलो चलो। एड़ी से लेके चोटी तक पूरा जोर लगाया तुमने, लेकिन फिर भी न शिवा से पूजा करवा पाई न खुद कर पाई। ईका कहते हैं माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी का इंसाफ। देख लिया दुश्मन भौरिया, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो सरस्वती माता की जय, बोलो सरस्वती माता की जय। कहाँ चला गया था तू शिवा? हाँ, अगर तू इस तरह पूजा बीच में छोड़कर नहीं गया होता तो वो पुरुषोत्तम शास्त्री और नव शास्त्री माँ अर्णव। हाँ माँ, अर्णव ये सारी साजिशें उसी ने रची है, उसी ने किया ये सब कुछ ताकि हम यहां से बाहर चले जाएं और पूजा कर पाए वो पुरुषोत्तम शास्त्री। लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं मां, उसकी खुशी हम ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगे, नहीं देंगे। शिवा, शिवा, कहां जा? सुनता भी तो नहीं है मेरी। सही कहा शिवा ने, ये सारी की सारी साजिश अर्णव शास्त्री ने ही रची है और उसके साथ उसकी बीवी पल्लवी भी इसमें शामिल है। दोनों ने साथ मिलकर किया है ये सारा कांड। पर आप जरा सोचिए, जो प्रसाद शिवा चढ़ाने वाला था अचानक से उसमें कॉकरोच निकल आता है और फिर पल्लवी पहले से बनाकर रखा हुआ दूसरा प्रसाद लेकर वहां पहुंच जाती है जो हर साल पुरुषोत्तम शास्त्री वहां चढ़ाता है और फिर पुरुषोत्तम शास्त्री के हाथों से यह पूजा संपन्न होती है। आपको इस पूरे के पूरे कांड में कहीं भी पल्लवी के हाथों की बू नहीं आ रही है? सोचिए इसके बारे में और समझाइए शिवा को। हमें आपसे कुछ बात करनी है शिवा। हम चाहे कुछ भी कर ले, यहां कोई भी हमारा यकीन नहीं करने वाला। अर्णव जी के तरफ के लोग हम पर धोखेबाज होने का लांछन लगाएंगे और आपको चाहने वाले साजिश रचने का। शिवा, हमसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होगा, हम यहां से कहीं दूर ले चलें, यहां से कहीं बहुत दूर, अर्णव जी से दूर, मकान दुकान बिजनेस जो कुछ भी है उसे बेचकर यहां से कहीं दूर चलते हैं, अपना घर बसाते हैं। आप क्या बोल रही हैं पल्लवी जी? सही कह रहे हैं हम शिवा, एक बार अग्नि परीक्षा दी जा सकती है लेकिन रोज रोज हर कदम पर हर किसी के सामने किसी के भी कहने पर हम अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी ना शांति से जीना चाहते हैं। आपकी और अर्णव जी के रोज रोज की लड़ाई झगड़ा
मन मोटा दुश्मनी हम नहीं झेल सकते, हमें हमें नहीं चाहिए ये सब शिवा, नहीं चाहिए। तुम चाहते हो ना हम अर्णव जी से दूर हो जाए, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी को अपनी आंखों के सामने रखकर उसे अपने दिल से निकालना कितना मुश्किल होता है ना, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है शिवा। हमें अंदाजा है पल्लवी जी, अंदाजा है हमें। आपके सामने होते हुए भी ना आपसे बहुत दूर रहे हैं हम, इस तकलीफ को समझ सकते हैं हम।